एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेज एकेडमी। और आज न्यूज वायरस शॉर्ट्स में हम देखेंगे कि दिल्ली के सीएम और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनको कहते हैं उपराष्ट्रपति, उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो देखिए, जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है, किसके साथ में, एक लेजिस्लेचर के साथ में, कि वहां पे एक विधानसभा भी है। जनरली आप देखोगे तो जो बाकी के यूटीज हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन दिल्ली एक ऐसा यूटी है जहां का खुद का क्या है, उनका विधानसभा है। अब देखिए, बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 ये कहा गया कि दिल्ली को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए अंडर आर्टिकल 239A। अब इसमें क्या कहा कि वहां की जो विधानसभा है दिल्ली की, वो लॉज बना सकती है दिल्ली के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, एक्सेप्ट तीन चीजों के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये तीन को छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर वहां की विधानसभा लॉज बना सकती है। अब देखिए, एक नया एक्ट पास कराया गया और मार्च 24, 2021 तो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया, जो बिल को पास किया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। अब देखिए, इस एक्ट के तहत उन्होंने ये किया कि कुछ ज्यादा ही पावर्स दे दिए जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं आपके प्रेसिडेंट के, मींस हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर है वो क्या हो गई, मोर पावरफुल हो गई, उन्होंने अपने आदमी को ज्यादा पावर्स दे दिए। और साथ में इस एक्ट के तहत ये भी कह दिया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनके पास खुद की डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगी, कि अगर विधानसभा वहां के कोई लॉज बना रही है, कोई रूल्स बना रही है, तो उसका जो मेन पावर है वो किसको मिल जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और ये भी कहा है कि ये जो गवर्नर है इनको मैंडेटरीली जो भी रूल्स और रेगुलेशंस वहां बन रहे हैं उस पर अपना ओपिनियन देना मैंडेटरी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक सेंटर और जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं क्लैशेस आ रहे हैं। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को कम करके एक अपॉइंटेड पर्सन, भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एक अपॉइंटेड पर्सन है ना, इसकी पावर्स को क्या किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही है या गलत है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यही एक प्रॉब्लम है जो वहां के सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में हो रहा है। वैसे हाल में पार्लियामेंट ने ये चीज कह दी है कि ऐसा नहीं है कि जो वहां के इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी पावर्स हम कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी खुद की पावर्स है, बस हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को और ज्यादा पावर्स दे दी है। थैंक यू।